घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अपने आसपास घनाभ के आकार की कुछ वस्तुएं ढूंढिए और उनके चित्र अपने कॉपी पर खींचिए। इनके शीर्षों को नामांकित कीजिए। इसमें भुजाओं, किनारा या कोर की संख्या कितनी है, कौन कौन से फलक आपस में बराबर और आयताकार हैं। सोचिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जसपाल ने कहा कि सभी आयताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल जोड़ने पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेहा ने जूते का डिब्बा लेकर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का प्रयास किया। लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए B और ऊंचाई के लिए H सभी पृष्ठों पर लिखा। फिर सभी पृष्ठों को अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर उन्हें जोड़ दिया। चित्र 5। आप भी उक्त गतिविधि को अपनी कक्षा में कीजिए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर H गुणित L धन L गुणित B धन H गुणित L धन L गुणित B धन H गुणित B धन H गुणित B बराबर 2L × B धन 2L × H धन 2B × H बराबर 2 (LB) धन LH धन BH। करके देखें। पहला, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा, यदि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। क्या आप बता सकते हैं कि घनाभ के पार्श्व पृष्ठ कौन कौन से हैं। घनाभ के चारों किनारों के पृष्ठ ऊपर और नीचे के पृष्ठों को छोड़कर पार्श्व पृष्ठ कहलाते हैं। घनाभ के पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। मैं सभी पार्श्व पृष्ठों ABCD, EFGH, BFGC और AEHD का क्षेत्रफल जोड़कर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। हाँ अजीत, इस तरह से जोड़ने पर घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2HL प्लस 2HB बराबर 2H कोष्टक L प्लस B होगा। क्या अब आप घन के पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। घन के पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 4A² कारण बताइए। सोचे एवं चर्चा करें। दिखाए गए चित्रों की तरह अपनी गणित की पुस्तक रखिए और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।